हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ गौरव शर्मा और मैं आप लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज जॉइंट सीएसआई नेट के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको वन बाई वन स्टेप बताऊँगा कैसे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी सीएसआई वाली। इस पर जाएंगे आप और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, एक ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर को फिलअप कर देना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहा होगा जब आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा। साथ में आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर देना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद आपने सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट इसको कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो इसका आपका सेकंड पॉइंट होगा उसमें आपने क्या कर देना है, जिसका जो बी पॉइंट है उसमें आपने नो करना है, ठीक है। नो यहाँ पे फिलअप कर देना है, और सी ऑप्शन में आपको येस करना है, और डी ऑप्शन में आपने नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, और इनमें पहले स्टेप में लिखेंगे नो, क्योंकि हम किसी अगर कॉन्टैक्ट में नहीं थी किसी के, जो क्या था किसी कोविड-19 से पीड़ित है लेकिन हम उसके संपर्क में नहीं आए, तो हमने नो करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ये कि हम किसी ऐसे बंदे कॉन्टैक्ट में नहीं आए जो किसी कोविड-19 से सफ़र कर रहा है। उसके बाद हम किसी ट्रैवल नहीं किया कहीं सिटी में, तो उसके लिए हमने नो लिखा है, ठीक है। तो ये वन बाई वन सभी स्टेप थे जो मैंने आपको बताए कैसे आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड सीएसआर का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।